आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। ଭାରତର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତିଲକ। जीवन को नष्ट दिने तमे भी बहु घर को तमर सासुमा भी तम सांगरे एमिति व्यवहार करथिले जेमिति तमे आम सांगरे करछो जदि करथिले तो तमे सही जाइथिबो किंतु मु कदापि सहिबिनी आउ ना अपा साहिबे बुझी गला सब कथा ना आउरे बुझेबी बुझी गनी मां रही जा अपा किछि भी हो भौणी सासु मां होचंती हमो मां समान मु जानी चपा आउ मु मानुची भी किंतु रोगी को भल करिबा पाई रोगी को पिता औषधि पियाइबा को पड़ी थाए पिता औषध तमें किसी चिंता करनी अपा सब ठीक है जीव मो पर विश्वास रख मु केबे भी किसी भूल काम करिबिनि सब ठीक है जीव विश्वास आउ भगवान दी जनकर परस्पर सहित अतुट संबंध अच्छी। मनुष्य जेतेबेले जन्म होइथाय तो निज मां उपरे विश्वास करिथाय अन्य उपरे नुहे सेति पाई तो से माठू अन्य कहा पाखकु जाई न थाए किंतु अन्यर कोळरु निज मां आडकु डेई पड़िथाय। जेमिति जेमिति बयस बढ़ी चले से निज पिता भाई भौणी संपर्कियों ऊपर विश्वास करने को लगी थाए। जेतेबेले मनुष्य किशोर अवस्था को आसी थाए सेतेबेले से भाई भौणी आउ अन्य संपर्कियों ठारु अधिक निज बंधुं ऊपर विश्वास करने को लगे। तापर तार विवाह हुए सेतेबेले से सबुठ बेसी निज स्त्री उपरे विश्वास करे। जो मनुष्य जन्म हेला क्षणी केवल निज मां उपरे विश्वास करूथिला विवाह हेबा क्षणी से निज बापा मां कोठु अधिक निज स्त्री उपरे विश्वास करिथाय। मनुष्य विवाह परे निज माता पितांक कष्ट अनुभव करि पारि नथाय किंतु जेतेबेले निजे माता पिता हेइथाय सेतेबेले सेही कष्ट ताकु भोगिबाकु पड़िथाय। सेतेबेले ताकु अनुभव हेइथाय कि से निज माता पितांकु केते कष्ट देइथिला। बंधु बंधुता भांगी देई पारे शत्रु हेइ जाई पारे चाकर
चाकर नमक हराम हो पारे संपर्कीय से तो केबे भी पिठी पटु छुड़ा माड़ करी पारंती ताहले कहा ऊपर विश्वास करिबा हाँ ता ऊपरे मालिक ऊपरे भगवानंक ऊपरे ईश्वरंक ऊपरे से केबे भी विश्वासघात करिबे नाही केबे तुमको धोखा देबेनी तमे जो भावने तार भक्ति करिब से सेई भावरे तम उपरे कृपा करिबे तमे किछि विपदरे अछ संकटरे अछ से कोनोसी ना कोनोसी रूपरे तमकु साहाज्य करिबा को आसिबे विवशतारे निराशारे सेई जणे अछि सिए ही अछि जिए तमकु आशार किरण देखैबो जेतेबेले तुमको लागिबो कि कोठि किछि आशा नाही दुनियार सबु द्वार तुम पाई बंद हो जाइछि सेतेबेले सिए ही जणे जिए तुम पाई गोटे नुआ द्वार खोली दबो मालिक तुमर मित्र से भाई माँ बापा सिए आउ से तुमठारु किछि भी चाहेनी केवल सत्यर सहित रहिबा को चाहि थाए आ भक्ति चाहि थाए ताकु मित्र करिबा को हेबो तार कृपार भागी होबा को हेबो तार विश्वास जिणिबा को हेबो केवल गोटाए फल गोटाए फूल भक्ति भावना रे अर्पण करा जाइथिबा गोटाए पत्र भी जथेष्ट हेइ थाए ता पाई अंतःकरणरु बाहरिथिबा टोपे लुह बि से ग्रहण करिथाए जे मालिक उपरे विश्वास करिथाए तार उद्धार निश्चित थाए कारण विश्वास मालिकंकर ही गोटाए रूप सबका मालिक एक आसु से रमाकांत सबु कहि देबी बहुत हे गला केमिति नाच कुदि जौतुका कथा कहुतिला जेमिति आउ केहि जौतुका आनु नाहती अरे अमर झियो थिले कोन आमे जौतुका देइनो थांतु इमिति देउथिला जौतुका आनिछि त कोन हैला कोन ए घरटा खिनि नेला से माँ आसी गलु तू रमाकांत केते बेलु तो अपेक्षा करी छी मोर तो सहित बहुत जरूरी कथा अछि ये तो कमला कांद से बुझी कमला कमला अरे यार किछि भी हैनी ये नाटक करू छी मां तमे टिके चुप रहिबो एमिति बसि कांदु थिबो ना कोन हे छी कहिबो मां मते मारिले ए देखो देख बुआ देख आ बाकी कोन रहिले देखिबा को मां आगुर त मैना को हैरान करथुल आउ एबे कमला ऊपर हाथ उठि आरंभ कर देलो आगो मो कथा त टिके सुने बुआ मोर किछि सुनिबार नाही तमे बाध्य करिबारु मु द्वितीय विवाह कली देखो मां मते खुशी देखिबा को चाहुचो प्रथमे निजे व्यवहार को बदलाओ आउ निजे दी बहु को संगरे भलो व्यवहार करो तमे जानि न मां कमला बीमार अछि तथापि तमे हाथ उठैलो तमे टिके भी कथा रे हां कौन सासु मां सब कथा बुझी पाले तो ना तातिया ना अबुझा नुहे सी मनुष्य तो बुझी पारे
କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନାମକ ସାପ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିଦିଏ ତ ସେ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ହେଇକି ବି କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ କି ସେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। ସେମିତି ହବା ଉଚିତ ମାନେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବଳି। ଏଇ ଚୁପ ବାବା, ମୁଁ ତ ଏମିତି କେବେ ବି କହେନି। ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ଏଇୟା ମୁଁ ସେଇୟା ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ବି କରିପାରିବେନି ଏମିତି କହିଥାଏ ତ ବୁଝିଯିବ ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାରର ଅଧୀନ ହେଇଛି, ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଠିକ ବାଟରେ କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ ବାବା? ସେଇ ମାଲିକ ତାକୁ ସିଧା କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥାଏ ତ ଏଇଟା ଭାବିଥାଏ କି ତାକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଅଟକେଇଲା ବାଲା ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତ ହଜାରେ ଲକ୍ଷେ ହାତ ଥିଲା ବାଲା, ତାଙ୍କର ଆଖି ତାଙ୍କର କାନ ଅଗଣିତ, ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତା ପାଖରେ ମଣିଷର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପୁରା ହିସାବ କିତାବ ତିଆରି ହେଇ ରହିଥାଏ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଧୁରିବାର ମୌକା ବି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପର ରାଶି ତାର ପୁଣ୍ୟର ରାଶିରୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ସେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ବି ଥାଏ। କେମିତି ବାବା? ମାଲିକ ନିଜେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ମାଲିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ କି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ଭଳି। ହଁ ନା ବାବା? ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା କର୍ମର ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ କରିଥାଏ କି ଭଲ କାମ କର, ଖରାପ କାମ କରନି, ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼, ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଦର କର, ସମ୍ମାନ କର, ଆଉ ବଡ଼ ହେଇ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହୁଅ। ସେ ମାଲିକ ତମର ସାହାରା ହବ। ସବକା ମାଲିକ ଏକ। ରାମ 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 ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ମହାଶୟ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଢୋଙ୍ଗି ସାଇ ଶିରିଡ଼ିର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ବଶକୁ କରିନେଲା, ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଶିରିଡ଼ି ଉପରେ ତାର ଏକ ଛତ୍ର ଶାସନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଲେ ବୈଦଲା ଯେ ଶିରିଡ଼ି କଥା ଚାଲନ୍ତୁ, ସାଇ ବାବାଙ୍କର ତ ଶିରିଡ଼ି ବାହାରେ ବି ଲାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଲ ଦୁଲରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ଦୁଲକୁ ପଲଉଛନ୍ତି। ପଦାର୍ଥ ମୂର୍ଖ, କ'ଣ ସବୁ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ୁ ବକ୍ ବକ୍ ହେଇ କହି ଚାଲୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ବୈଦଲା ଯେ ସେ ଏମଦନଗରରୁ ଦାମୁଆନା କେଶଲ ଆସିଥିଲା ନା, ସେ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯାଇଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯାଇଛି? ଆରେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ? ବୈଦଲା ଯେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ବୁଝିବା ସୁଝିବା କଥା ହେଇଥିଲେ ହିଁ ପଚାରିବୁ ମୂର୍ଖ, ବୁଝିଲୁ? ପଚାର ବୈଦଲା ଯେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ପିଲା ହବ ତାହେଲେ ବାହା ହବା ଲୋକ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆପଣ ସାଇ ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ମୂର୍ଖ ସତ୍ୟନାଶ ହେଇଯାଉ ତୋର, ମୂର୍ଖ କୋଠିକାର।
उर्मिला एसबु कौन साई बाबांकर आम उपरे कृपा हेची से आमको प्रसाद भी देचंती आउ संतान हबार आशीर्वाद ताले साई बाबा ही कहिचंती ना जिते बेले आमे संपूर्ण समर्पण करिथां सेते बेले आमर उद्धार हेथाए जी हृदय रु मोर उपासना करिथांती मोर भक्ति करिथांती मु तांको इच्छा सबु पूर्ण करिथाए जे सर्वदा मोर स्मरण करिथांती सबु बेले मोर ही गुणगान करिथांती मु सर्वदा तांको पाखरे थाए तांको सहित रही थाए तांको कल्याण पाई सर्वदा चिंतित रही थाए सबका मालिक एक अरे बड़ा बहू कुआडे मरी गलु तू अरे मते नीता सुनी अरे आ टिके मो गोड़ मोड़ी दे मोर बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथिला जोथि पई मुए अलक्षणी संगे रे रमाकांतर बाहागर करि देली ए सब कोन बडा बहु एमिति सज्जबाज हे मो गोड मोडीबो नाई मा मु तो सांगरे कथा होनी किंतु मु तम सांगरे कथा होची आज ही तो मैना पा तम गोड़ जम्मा मोड़ीबेनी कोई बता ससुमा मु मोड़ी देबी ये तो मु गोड़ भांगी दो बापाई आसीची एबे मु मैना आपा ऊपर किछ भी अत्याचार हबा को देबिनी अच्छा ताहले कोन तक बापा घर को पठोचे ते राती रे ना आज तू अपा निज स्वामी का सहित रहिब निज स्वामी का घरे सोइब मु अपा का अधिकार छड़ेबा को चाहूनी चलो अपा तमको काहर भी नजर न लगो मोर भी नुहे अपा ए रातिर आउ आगामी सब रातिर गोटे भी मुहूर्त नष्ट करिबा अपराध हब चल रमाकांत बाबू तुमको केत्ते बड़ अपेक्षा करथिबे भूणी तम भूणी सौतणी सब स्त्री लोकंकु मिलु चल महालसापति पूर्व जन्मर ऋण संपर्क ही आमको यही जन्मरे परस्पर सहित मिसेइ थाए सेथिपाई तो जी अजणा हेइथाए से आमको चिन्हा चिन्हा लागिथाए आउ परिचित लोक अजणा परि लागिथाए केबे केबे तो आमे एमिति लोक सहित भेटी थाउ जाहाकु देखिबा क्षणि आस्था सृष्टि हेइथाए आउ केबे केबे काहाकु देखि एमिति लागी थाए कि ता सहित कथा भी हबा उचित नुहे साईनाथ आम पूर्व जन्मर संबंध ही आम मनरे एमिति भावनार निर्माण करिथाए
सत कहिल तमे महालसापति। महालसापति आत्मा शरीर त्याग करिथाय त अन्य एक शरीर धारण करिथाय, किंतु निज सहित निज कर्म आउ संस्कार नहीं कि ही आउ गोटे जन्म नहीं थाए। एई संस्कार ही आत्मार परिचय है थाए महालसापति। मालिकर लीला भी अगाध महालसापति, अगाध सबका मालिक। एक माँ जेनी एठिका गच्छपत्र रे नुह, बरम बरम एठिकार माटी आउ आउ ए पवन भी साई बाबा को जप करछंती। माँ जेते बेले एठिकार गच्छपत्र भी साई बाबा को जप करछंती तो ये सिरिडी गाँव है ना।